पल्स वेव द्वारा प्रस्तुत अ फाइटर सेज इट ऑल। कुछ पूरे कुछ अधूरे ख्वाब जिंदगी के। नमस्कार। कुछ पूरे कुछ अधूरे ख्वाब जिंदगी के प्रोग्राम के साथ हम फिर हाजिर हैं। एक और फाइटर की दास्तान फाइटर की जुबानी ही हम आपको सुनाएंगे। अ फाइटर सेज इट ऑल। कुछ पूरे कुछ अधूरे ख्वाब जिंदगी के। आपकी शख्सियत कुछ कुछ वैसी हो जाती है जैसा कि आपका ख्वाब होता है। हर इंसान का ख्वाब अलग अलग होता है क्योंकि उनकी पृष्ठभूमि अलग अलग होती है, उनकी स्थिति और परिस्थिति अलग अलग होती है। ख्वाब कोई यूं ही नहीं बुन लेता। ख्वाब चलकर आप तक आते हैं और अगर आप उसे अपना लेते हैं तो वो ख्वाब आपका हो जाता है, और अगर आप अपनी मेहनत और हिम्मत से उसे सच कर लेते हैं तो ख्वाब और आप एक हो जाते हैं। बहरहाल मैं कह रही थी कि ख्वाब कोई यूं ही नहीं बुन लेता। बहुत सारे ख्वाब हमारे पास मजबूरी में चलकर आते हैं और वो बाद में हमारी ताकत बन जाते हैं। थैलेसीमिया एक जेनेटिक बीमारी है। थैलेसीमिया कई तरह की होती है, जैसे कि अल्फा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया, डेल्टा थैलेसीमिया आदि, और ये कई तरह से प्रभावित भी करती है। ये कोई हेल्थ प्रोग्राम नहीं है, लेकिन थैलेसीमिया एक अहम किरदार है आज के इस एपिसोड का। आज की फाइटर थैलेसीमिया की मरीज हैं, और इनकी जिंदगी में थैलेसीमिया ने क्या कुछ कर दिया और उन्होंने कैसे उस पर काबू पाया, ये सब उनसे सुनेंगे। पहले आज की फाइटर से परिचय कर लेते हैं। आप हैं ज्योति। ज्योति 77 बॉर्न है, जिंदगी के 36 बसंत देख चुकी हैं। शब्दों से खेलना सीख चुकी हैं। ज्योति आज एक प्रोफेशनल राइटर हैं। इनकी बड़ी उम्र और छोटे कद के पीछे एक बीमारी थी, थैलेसीमिया। इस बीमारी ने जिंदगी को मुश्किल बना दिया था, लेकिन ज्योति एक फाइटर हैं और मुश्किल जिंदगी को पूरी ताकत से इन्होंने आसान बनाया है। और इसमें इनके साथ हर पल रही हैं इनकी मां। ज्योति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। ज्योति जी, आपने जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, संसार में इतना कुछ देखा है कि शब्दों से ही आपने अपना ही संसार रच लिया है। जिंदगी के बारे में पूछा जाए आपसे, कैसी है जिंदगी? देखिए, एक मैंने बहुत अच्छा कोटेशन पढ़ी थी, द पर्पस ऑफ लाइफ इज लाइफ ऑफ पर्पस। तो जीवन में अगर उद्देश्य हो तो बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि फिर दिमाग इधर उधर नहीं भटकता है। तो परेशानियाँ, दुख, तकलीफ तो आती रहती है, मगर अगर आपका फोकस सही है कि आपने क्या करना है, आपको क्या हासिल करना है, तो आसान हो जाती है काफ़ी। जीवन में अगर कोई कमी भगवान देता है तो उसके साथ कोई गुण भी देता है, तो अगर आप वो गुण ढूंढ पाते हैं, उस पर अपने उसको अपनी ताकत बना पाते हैं, तो सब कुछ आसान हो जाता है। और आपने कलम को अपनी ताकत बना ली, अच्छी राइटर हैं। लिखने का शौक कब से हुआ? मैं स्कूल में थी तो सारे टीचर्स को मेरे लिखना पसंद आता, खासकर जो लिटरेचर के टीचर्स हैं मेरे, उनको पसंद आता था मेरे एसेज वगैरह। मगर मेन तो मेरा हुआ जब मैंने ग्रेजुएशन शुरू की, तो इंग्लिश लिटरेचर किया मैंने, इंग्लिश ऑनर्स किया ग्रेजुएशन में। तो वो किताबें पढ़ पढ़ के मेरे को और ज़्यादा लगा कि अगर, तब मेरे को एक्चुअली पता चला कि जो लिखना होता है वो भी एक आर्ट होती है। अभी तक तो पहले तो मैं खाली किताबें पढ़ती थी और नॉर्मल ले लेती थी, ये तो मैं जानती थी कि मैं अच्छा लिख सकती हूँ। तो उसी को कोशिश करने की उस समय ही मैंने ठानी जब मैं ग्रेजुएशन में आई। बहुत मन करता होगा कि कभी दूसरों की तरह भी खेलूँ, कुछ और करूँ? थोड़ा बहुत तो मैं अपने आप शैतानियाँ कर ही लेती थी, ऐसी कोई बात नहीं है। मगर फिर बहुत जल्दी, मैं जब छोटी थी, मैंने स्कूल भी जाना नहीं शुरू किया था, तभी से किताबों का बहुत शौक था मेरा। तो मेरा ज़्यादातर जो भी खाली टाइम होता था वो किताबों के साथ ही निकलता था।
थैलेसीमिया का असर ग्रोथ पर होता है। जब आप स्कूल में थी तो बाकी बच्चों की तरह आपकी ग्रोथ नहीं रही होगी। क्या बाकी बच्चे उस चीज़ का मजाक उड़ाते थे या कभी कुछ उन लोगों ने कहा ऐसा जिससे बहुत दिल को चोट पहुंची? मैं 7वीं क्लास तक ही स्कूल गई हूँ तो तब तक तो इतना कुछ अलग नहीं लगता था क्योंकि तब और भी बच्चे थे जिनकी हाइट अभी उतनी नहीं बढ़ी थी। हाँ, कभी मतलब बाहर जाते हैं तो ये होता है कि जैसे कोई आके बोलते गुड़िया जरा इधर हट जाओ, गुड़िया जरा उधर हो जाओ, इस तरह से बोलते हैं, तो वो तो थोड़ा बहुत मतलब अनुभव करने को मिलता है। जब आप अपनी बहनों को देखती होंगी, उन्हें बढ़ती हुई देखती होंगी, तो उस वक्त आपको लगता था कुछ अलग सा? कभी कभार थोड़ा बहुत लगा, बट मतलब मेरा, मैं कह रही हूँ कि ध्यान ही मेरा किताबों की तरफ ही था शुरू से, तो उतना ज़्यादा मैंने कभी कुछ दुख होना या कुछ महसूस करना ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ कि मेरे को बहुत दुखी हो रही हूँ मैं, या मेरे को लग रहा है कि मैं ये नहीं कर पा रही या मैं वो नहीं कर पा रही, क्योंकि मेरा शुरू से ही, जब से मैंने सोचा कि मेरे को लेखक बनना है जी, तो मतलब उठते बैठते वाली हाल हो गई कि उठते बैठते मेरे को ये था कि कैसे करना है, मैं क्या लिखूँ, मैं क्या लिखूँ, रोज़ का मतलब सपना मेरा इतना ज़्यादा वो तेज हो गया, स्ट्रांग हो गया। लेकिन जब एक लड़की ऐसी बीमारी से ग्रसित हो तो माँ बाप के लिए क्या स्थिति बनती है? उनकी परेशानियाँ बढ़ती है या उनकी हिम्मत कभी जवाब दे जाती है या वो अपनी बेटी की हिम्मत को ज्यादा अहमियत देते हैं, ये सब कुछ हम जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहें हमारे साथ। A fighter says it all. कुछ पूरे कुछ अधूरे ख्वाब जिंदगी के।